राहुल, इस ठेले को लेके कैसे हल्के हल्के चल रहे हो? तेजी से चलो, तेजी से चलो, ऐसे तो तुम गांव में कल तक पहुंचोगे। अरे गांव में मेरे ट्रैक्टर के दोनों टायर अचानक चलते चलते ट्रैक्टर फट गए, इसीलिए मैं शहर में ट्रैक्टर के टायर खरीदने के लिए आया हूँ और आपके ठेले पे रख के ले जा रहा हूँ राहुल जी। अब राहुल जी, इन टायर को जल्द से जल्द गांव में जल्दी पहुंचा दो। मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूँ थोड़ा सा धक्का लगा दो ठेले में, लेकिन ठेले में धक्का नहीं लगा रहे हो और जल्दी चलने की बात कर रहे हो। आपके इस ट्रैक्टर के टायर में बहुत ज्यादा वजन है। मोदी जी, ऐसा करो, इस ठेले में थोड़ा धक्का लगवा दो तो गांव जल्दी पहुंच जाएंगे। और एक बात बताओ, आपको जल्दी क्यों है गांव जाने की? राहुल, बेफालतू की बात करते हो, गांव में ट्रैक्टर के टायर फट चुके हैं और मुझे ट्रैक्टर से खेत की जुताई करना है। जब तक इन ट्रैक्टर के टायरों को ले जाके गांव में नहीं जाओगे तो ट्रैक्टर में नए टायर कैसे डलेंगे, और जब तक नए टायर नहीं पड़ेंगे ट्रैक्टर में तब तक खेत की जुताई नहीं होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जल्द से जल्द गांव पहुंचो। मोदी जी, मुझे ऐसा लग रहा है राहुल के ठेले को करके तो आपने गलती कर दी। अखिलेश बहुत ज्यादा वजन खींच लेता है अपने ठेले पे। अब देखो, राहुल के ठेले पे चार ही ट्रैक्टर के टायर है और इससे ठेला खींचे नहीं खींच रहा है। योगी जी, आप बेफालतू की बात मत करो, इस ठेले को आप खींच के देखो तो पता चलेगा कितना मुश्किल से ये ठेला खींचता है। राहुल, एक बात बताओ, पैसे तुम लोगे मोदी जी के टायर को गांव तक पहुंचाने के, और मुझसे कह रहे हो कि ठेले को खींचो, मैं क्यों खींचूं? राहुल, बेफालतू की तो बात करो मत, बातों में वक्त जाया मत करो, जल्द से जल्द इस शहर से निकलो और गांव में पहुंचो, जल्दी जल्दी से ठेले को चलाओ। लेकिन मोदी जी, एक बात समझ में नहीं आती, अभी एक साल पहले तो आपने ट्रैक्टर के टायर डलवाए थे और दोबारा फिर से आपने ट्रैक्टर के टायर फाड़ दिए। कितना वजन लादते हो अपने ट्रैक्टर पर? योगी जी, मेरा ट्रैक्टर चलता भी तो बहुत ज्यादा है, एक साल में सारे के सारे ट्रैक्टर के टायर घिस गए। अब ट्रैक्टर जितना ज्यादा चलेगा उतनी ही जल्दी टायर घिसेंगे। तुम्हारा ट्रैक्टर है, तुम अपने ट्रैक्टर को बहुत कम चलाती हो, इसीलिए तुम्हारे ट्रैक्टर के टायर घिसते ही नहीं है। मोदी जी, मेरे ठेले के टायर भी बहुत जल्दी घिस जाते हैं, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मेरे ठेले के टायर जल्दी ना घिसे। एक तरीका है राहुल, बहुत अच्छा तरीका है। बोलो मोदी जी, कौन सा तरीका है जल्दी बताओ? इस ठेले को चलाओ मत, जब चलाओगे नहीं तो टायर घिसेंगे ही नहीं। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे राहुल, बहुत दिन बाद दिखाई दिए, विदेश से पढ़कर आ गए, बड़ा टाइम बाद आए इस बार तुम। अब मोदी जी, पूरे 1.5 साल बाद पढ़ाई करके विदेश से आया हूँ मैं। वैसे राहुल, अब तुम विदेश थोड़ी जाओगे, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, अब तो यहाँ पर अपने देश में ही रहकर नौकरी करोगे। हाँ योगी जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, अब यहीं पे अपनी नौकरी देख लूंगा कोई, अपने देश में ही। और तुम सब लोग ठीक हो? और अखिलेश, तुम तो बात ही नहीं कर रहे हो, कैसे बैठे हो? अरे कैसे नहीं बैठा, प्यास लग गई, लालू जी से पानी मंगाया था जग में, वो ही पानी पी रहा हूँ। लालू जी, एक जग में और पानी ले आओ, राहुल को भी पानी पिला दो, इतने टाइम बाद विदेश से आया है। अरे मोदी जी, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तुम्हारी दुकान अभी छोटी की छोटी है, जितनी छोटी दुकान मैं छोड़ के गया था पहले, इतने साल बाद भी तुम्हारी दुकान वही छोटी की छोटी दुकान रही, बढ़ाई नहीं तुमने दुकान। क्या राहुल, दुकान बढ़ाई जाए, इसी दुकान से अपना खाना पीना चल रहा है, क्या जरूरत है ज्यादा पैर फैलाने की, जितनी चादर हो उतना ही काम करना चाहिए। आदमी जैसे ज्यादा कमाता है वैसे खर्चे भी बढ़ जाते हैं उसके, मैं तो इसी अपनी छोटी दुकान में ही खुश हूँ। अरे मोदी जी, एक 50 रुपए वाली चॉकलेट देना, बढ़िया सी चॉकलेट। तुम भी राहुल अजीब बात करते हो, ये छोटी सी दुकान है, इस दुकान में हमने कभी 2 रुपए से ऊपर बिस्किट का पैकेट नहीं बेचा, तुम 50 रुपए की चॉकलेट की बात कर रहे हो, नहीं ये चॉकलेट। क्या मोदी जी, दुनिया आगे बढ़ रही है, तुम पीछे जा रहे हो, सामान रखा करो, चॉकलेट रखा करो, आजकल तो चॉकलेट सब लोग खाते हैं और सारे दुकानदार रखते हैं। चलो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की एक टॉफी दे दो। ये कौन सा फ्लेवर होता है, ये तो हमने कभी नहीं सुना, हमारे यहाँ तो संतरे वाली गोली है, 1 रुपए की 5 ले लो। अरे राहुल, कैसी कैसी चीजें मांग रहे हो, ऐसी चीजों के तो हमने नाम भी नहीं सुने। अरे चॉकलेट मांग रहे हो, इससे तो जाके केजरीवाल की दुकान से गुड़ ले लो, 5 रुपए का गुड़ खा लो, तुम्हारे जिस्म को लगेगा गुड़। और अखिलेश, कितना पानी पियोगे, पूरे 50 ग्लास पानी पी गए, तुम्हारा पेट है कि समुंदर है? नहीं योगी जी, मैं गुड़ नहीं खाता, मैं मीठा नहीं खाता। ऐसा करो मोदी जी, एक इडली डोसा लगा दो। अजीब आदमी हो, विदेश में जाके लोगों को पढ़ा के आए हो या खुद पढ़ के आए हो? मुझे लगता है टीचर को उल्टा तुम पढ़ा आगे आए होंगे। परचून की दुकान पे ऐसी ऐसी चीजें मांग रहे हो, इडली डोसा, ये तो हमने नाम भी नहीं सुना है। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
अरे अखिलेश, मेरा जितना भी खेत में गेहूं पैदा हुआ था मैंने मंडी में तुम्हारी आड़त पे लाके डाल दिया। तुम महंगे में महंगा बिकवा दो मेरे इस गेहूं को। इस बार गेहूं की फसल उगाने में बहुत खर्चा हो गया। अरे योगी जी, तुमने मंडी में सही आड़त पे गेहूं डाला है। अखिलेश की आड़त मशहूर है सबसे महंगा अनाज बेचने में। अभी मैं तुम्हारी बोली लगवाता हूँ। बोलो कितने रुपए से बोली स्टार्ट करूँ? इधर आओ अखिलेश, कान में बताता हूँ। बोली को कम से कम 1500 रुपए से स्टार्ट करो और ज्यादा में ज्यादा मेरा गेहूं 2000 तक बिक जाए और 2000 से ऊपर बिक जाए तो दिन न्यारे। चलो भाई लोगों तैयार हो, गेहूं की बोली स्टार्ट होती है 1500 रुपए। 1500? अखिलेश गेहूं की बोली ज्यादा महंगी स्टार्ट करवा रहे हो तुम। गेहूं इतना अच्छा नहीं है योगी जी का। चलो 1515 रुपए। मोदी जी की तरफ से 1515 रुपए क्विंटल। 1515। और कोई आगे? 1600 रुपए। 1600 रुपए प्रति क्विंटल। अरे अमित शाह जी, आपने तो कमाल कर दिया। 1515 रुपए से सीधे 1600 रुपए। अमित शाह जी की तरफ से 1600 रुपए। 1600 रुपए। 1700 रुपए। 1700 रुपए प्रति क्विंटल। अखिलेश 1700 रुपए प्रति क्विंटल में मेरे नाम लिख दो ये गेहूं की ढेरी। 1700 रुपए। 1700 रुपए उपायसी जी की तरफ से। तू डाल डाल में पात पात वाला हिसाब चल रहा है। अमित शाह जी ने 1600 की बोली लगाई तो उपायसी जी ने पूरे 100 रुपए बढ़ा के 1700 रुपए की बोली लगा दी। 1700 रुपए एक, 1700 रुपए दो। रुको अखिलेश, इतनी आफत क्यों मचा रहे हो? 1900 रुपए। 1900 रुपए मेरी तरफ से प्रति क्विंटल गेहूं की बोली। लालू जी, तुम्हारी बोली के ऊपर मेरी बोली पूरे 2000। 2000 रुपए प्रति क्विंटल। क्या बात है, क्या बात है। लालू जी की बोली के ऊपर केजरीवाल की बोली भारी पड़ गई। लालू जी ने 1900 के दाम लगाए तो केजरीवाल ने पूरे 2000 के। राहुल तुम आज चुप कैसे खड़ी हो? तुम क्यों नहीं लगा रहे बोली? अरे भाई, मैं इस बोली से पीछे हाथ हटाता हूँ। इस बोली के दाम तो ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे मेरी दाढ़ी के बाल बढ़ रहे हैं। अरे राहुल, तुम बोली से अपने हाथ पीछे खींच लो, लेकिन मैं तो बोली लगाऊंगा 2100 रुपए प्रति क्विंटल। राहुल ने बोली से पीछे खींचे हाथ। राजनाथ सिंह जी की तरफ से बोली 2100 रुपए प्रति क्विंटल। और कोई आगे? 3000 रुपए प्रति क्विंटल मैं लेता हूँ ये गेहूं की ढेरी। 3500 रुपए प्रति क्विंटल। 5000 रुपए प्रति क्विंटल। 6000 रुपए प्रति क्विंटल। 8000 रुपए प्रति क्विंटल। जबरदस्त बोली की जंग छिड़ चुकी है मोदी जी और अमित शाह जी के बीच। देखते हैं ऊंची में ऊंची बोली कौन लगाता है। फिलहाल मोदी जी की तरफ से 8000 रुपए प्रति क्विंटल। 10000 रुपए प्रति क्विंटल। 20000 रुपए। 25000 रुपए प्रति क्विंटल। 50000 रुपए प्रति क्विंटल। मोदी जी की तरफ से सबसे बड़ी बोली 50000 रुपए प्रति क्विंटल। 50000 रुपए एक, 50000 रुपए दो, 50000 रुपए तीन। योगी जी मजा आ गया आपकी गेहूं 50000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मोदी जी ने खरीद ली। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।